Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot's Expert Truth Always Exposes Darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरी वन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइज, वो है कि आपकी जिंदगी में क्या आप प्राप्त करने वाले हो, ठीक है, क्या आप रिसीव करने वाले हो. सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. आज कुछ खास डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द कैंडल वैक्स रीडिंग. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, वो है कि मैस्कुलिन एनर्जी क्रिएटिव है या फेमिनिन एनर्जी क्रिएटिव है, ठीक है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. काफ़ी लोग अभी से बोल रहे होंगे कि नहीं, फेमिनिन इज ओनली क्रिएटिव, व्हाट मैम, व्हाट यू आर स्पीकिंग ऑफ, अब क्या बोल रहे हो दी, आपका क्या दिमाग घूम गया है. दिमाग नहीं घूमा है, अभी हम पूरी तरह से आपको क्लैरिफाई करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द रीडिंग. तो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा कि यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ ताकि आपकी जिंदगी में भी बेस्ट हो. आज जो मैंने ड्रॉ किया है स्केच, वो है कुआं का. कुआं बहुत ज़्यादा आशीर्वाद माना जाता है एज पर द स्पिरिचुअल सिंबल. कुआं में भी मैनिफेस्टेशन होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, एक कॉपर कॉइन मतलब तांबा का बना हुआ कोई भी पैसा अगर आपके पास है उसको डाल दीजिए और मैनिफेस्टेशन हो जाएगा आपका, ठीक है. उसके पीछे भी लॉजिक जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन द मेन टॉपिक कि आप क्या प्राप्त करोगे. सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में वो क्या प्राप्त करेंगे. ऑफकोर्स एंड ऑब्वियसली वो क्या प्राप्त करने वाले हैं. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू माई गाइड्स. प्लीज बताए यूनिवर्स, थैंक यू. यहाँ पे ना मुझे इस तरह से दिख रहा है एक इंक पॉट बनते हुए, ठीक है, आप देख रहे हो एक इंक पॉट यहाँ पे बना हुआ है. अगर हम इस शेप को क्लोजली देखें तो एक इंक पॉट मतलब क्या है, कुछ लिखना. जैसे पहले ज़माने में इंक पॉट यूज़ किया जाता था, ठीक है, काली का जो डब्बा है, फिर वो उसमें एक फेदर लगा के फिर राइटिंग किया जाता था. तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपकी कुछ अतीत, ठीक है, जिसका हो सके तो आप किसी के साथ शेयर जनरली तो करते हो, बहुत ही कम, लेकिन मुझे लगता है आपको सिर्फ अपने मॉम और अपने डैड तक ही उसको सीमित रखना है. खुल के पास्ट के बारे में किसी के सामने भी आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, अगर वो पास्ट जो है वो डरावना हो तो. क्या रिसीव करने वाले हो थ्रू द इंक पॉट, इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि आपके जीवन में शायद आपकी राइटिंग, ठीक है, पार्ट या बोल सकते हो कि रिटन कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा वीक है, ठीक है. हो सकता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा आ जाता है अगर आप एक स्टूडेंट है, इवन आप फॉर्मल कम्युनिकेशंस, अगर आप एक जॉब होल्डर भी है, ठीक है, आपको और ज़्यादा कम्युनिकेट करने चाहिए ताकि कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है, ठीक है, आपको सही पता चले. मुझे लग रहा है आपको एक इम्पॉर्टेंट ईमेल रिसीव हो सकता है जहाँ पे हर एक बात, ठीक है, आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है. आई डू फाइन यही अभी एक देखो एक पेड़ के रूप में अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका फॉर्मेशन. ओके, सो पेड़ का मतलब है ऑफकोर्स द वर्ल्ड ट्री. सो ऑफकोर्स सजेस्ट द फैमिली कनेक्शन, मतलब फैमिली के साथ जो हो सकता है कि खिटपिट चल रहा था, अनबन हो रहा था आपका, तो वो सब चीज़ धीरे 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 आपकी जिंदगी में सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है, किसी का यहाँ पे हेयर स्टाइल बदलोगे आप, ठीक है. हेयर स्टाइल बदलने से क्या होता है, लोगों की पर्सनैलिटी भी खुल के आ जाती है. आपको ऐसा लगता है, इवन फैक्ट ट्रू है कि कुछ तो हमको बदलना पड़ता है हमारी लाइफ में ताकि हम जो रिसेंट जो ट्रेंड्स है उसके साथ हम एडजस्ट कर पाए. आई डू फाइंड कि जस्ट लेट मी सी, यहाँ पे मुझे लग रहा है जिस तरह से ना कुछ मुट्ठी में आप ले रहे हो, इस तरह से इट्स लाइक दिस. ओके, कुछ मुट्ठी में ले रहे हो आप. सो मे बी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रहा है. यहाँ पे देखो एक कपल बन रहा है और वो लोग आसपास ही है, लेकिन शायद
क्वाइट है, मतलब शांत है। इसका मतलब ये है कि प्यार तो आपके लिए आ रहा है ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेशन करने में हो सकता है कि डिले हो जाए। ठीक है, ओके। आपको काफ़ी ज़्यादा फोटोज ऑफ ईगल्स या चमगादड़ या कुछ नाइट एनिमल्स जैसे आउल, उल्लू, इस तरह के पिक्चर्स दिखाई देते होंगे, सपने में हो या हकीकत में हो। हो सकता है वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे आपको अपनी डार्क साइड, मतलब शेडो साइड के ऊपर भी काम करने चाहिए। अभी आप बताओगे कि शेडो साइड क्या है। हमारा जो साइड्स है, देर आर टू साइड्स, जिस तरह से टैरो कार्ड्स में टू साइड्स है, द डार्कर साइड एंड द नेगेटिव साइड। हाँ, तो उसमें भी इस तरह से है, हमारे जीवन में भी शेडो साइड है। ठीक है, शेडो साइड किस तरह से है कि आपके अंदर जो भी वीकनेस है, आपके अंदर जो भी फॉल्ट है, जनरली हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, राइट? क्यों हमारा फॉल्ट कोई उठाएगा, वो तो हम फिर और भी चिढ़ जाते हैं कि देखो ये तो मेरा फॉल्ट देख रहा है, मेरा अच्छाई को तो नहीं देख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो भी फॉल्ट है, ठीक है, उसको जल्द से जल्द, अगर सही में है, उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करने से आपकी जो लाइटर साइड है, मतलब आपके जो उजाला वाला दिग है, ठीक है, तो वो वाला चीज़ सॉल्व होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई आदमी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते जा रहा है और कोई आपको गोद में इस तरह से उठा के जोर जबरदस्ती बोल रहे थे कि चलो लेट्स गो टू बेडरूम। सो बेडरूम, सेक्स, रोमांस, ओके, वन नाइट स्टैंड्स, इस तरह से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आर रियली कमिंग फॉर यू। ओह वाओ, इफ दिस इज योर विश, अगर ये आपकी ख्वाहिश है कि एक हार्ड पैशन, ठीक है, कोर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आप चाहते हो या काफ़ी मैग्नेटिक पैशनेट रिलेशनशिप के लिए आप पागल होते जा रहे हो, सो ऑफ कोर्स इट्स कमिंग फॉर यू टू लाइट योर लाइफ। ठीक है, देखो लोगों को जिसमें जो खुशी होता है, किसी किसी का होता है कि कैंडल लाइट डिनर में बैठे थोड़ा सा हल्का गॉसिप करे, फिर हम एक दूसरे के करीब आए, वो अलग बात है। कुछ लोग पहले ही इनकाउंटर में, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोग सेक्सुअली एडिक्टेड है, तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनकी चॉइसेस है। अगर है आपकी इस तरह की कुछ ख्वाहिश है जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें करना चाहते हो, सो डू इट, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। ठीक है, उसमें अगर कोई कुछ बोल रहा है, टोक रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि प्राइवेट लाइफ के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहेगा या करना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, क्योंकि वो तो देखो हर इंसान की अपने फितरत है, अपनी नेचर है, अपने अपब्रिंगिंग है, लेकिन उसका लत नहीं होना चाहिए। वन टाइम एनकाउंटर विद समवन इट्स ओके, बट एवरी टाइम इट्स लाइक एडिक्शन, वो नहीं बनना चाहिए। लव भी कभी कभी एडिक्शन, प्योर लव भी एडिक्शन हो जाता है, जहाँ पे उस चीज़ को छुड़ाना ही बेटर है। ठीक है, सामने वाले इंसान पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप आस लगा के बैठे हो कि येस दे विल कम टू माई लाइफ, दे विल हग मी, दे विल किस मी, बट अता पता ही नहीं है उस इंसान का। तो मुझे लग रहा है कि श्योरिटी, कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर होगा। यू विल जस्ट बी इन योर ओन पाथ। जो आपको डरावना चीज़ आपको पुश कर रहा था, मतलब आपको धकेल रहा था, ठीक है, कि कुछ और दिशा में जाने के लिए, लेकिन आप अपने लाइट से, आप अपने पॉजिटिविटी के साथ, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, आप अपने काम में ही अव्वल आओगे। ठीक है, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, इस तरह से एक सिटिंग पोजीशन, मतलब आराम से देख रहे होंगे आप लोग, आराम से एकदम। 8 number 3 2 5 is वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी के यहाँ पे ना 6 उंगलियाँ है, मुझे दिख रहा है 6 फिंगर्स आर देयर। कुछ लोग ट्विन ब्रदर्स, ट्विन सिस्टर्स है, जुड़वा हो आप लोग, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा जुड़वा बेबीज, ट्विन बेबीज आपको दिखता है, या आपके है ट्विन बेबीज, या आपके और आपके कज़िन के अंदर इतना सिमिलैरिटी है कि आप दोनों, मतलब बाहर वाले लोगों को लगता है कि आप दोनों जुड़वा हो इस तरह से। किसी का मस्टैच यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई मूछ है, रखने की
आदत बना रहा है धीरे धीरे, मे भी आपके पार्टनर या अगर आप मेल हो तो आप। फिर देखते हैं प्राप्त क्या करोगे, मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप प्राप्त करोगे इस तरह से दिख रहा है। मतलब आप बहुत कुछ अवॉइड कर दोगे अपने ज़िंदगी से जो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तला हुआ खाना, फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड, शुगर आइटम्स, इस तरह से आप वर्जित करोगे अपने जीवन से, रिजेक्ट कर दोगे। कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जीतना यहाँ पे लिखा हुआ है, जीतोगे आप अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ऑल दो इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन देन ऑल्सो, जिस तरह से ऐसा माना जाता है कि जब लोग मर जाते हैं तो शमशान में हो या कहीं पे भी हो, ग्रेवयार्ड में हो, उनकी आत्मा ना ठीक है यूनिवर्स की तरफ जो जाते हैं और वो वहाँ से प्रेयर्स दुआ करते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मतलब क्या है? शांति मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग, शायद आप लोगों को मोक्ष मिलेगा। किस तरह से? अगर आपका जॉब लॉस हुआ है, अचानक से आपके पास वो जॉब आ सकता है और आपका जो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था वो ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। भले ही छोटा मोटा जॉब हो लेकिन हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। इसी को भी मोक्ष बोला जाता है। आप कुछ रिलेशनशिप्स में फंसे थे जो आपको सिर्फ दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं दे रहा था, ठीक है, और आपको वो इंसान टॉन्ट मार रहा था क्योंकि आप उसको पता था कि उसके बिना आपका और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तो वो सब चीज़ से मुक्त हो जाओगे आप, वही मोक्ष है। ओके, सो दिस पर्सन, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंसान जो है आपको अपनी जिंदगी से ना एक्सपेल कर दिया। अभी इस इंसान की ना बहुत कुछ होना बाकी है, अभी इसके जीवन में बहुत शिक्षा प्राप्त करेगा ये इंसान। आप नहीं दोगे इसको शिक्षा। वी लेटर इज इम्पॉर्टेंट, जेमिनाई इम्पॉर्टेंट, पाइशेस, सेजिटेरियस, द मून साइंस में से कैंसर ओके इज वेरी इम्पॉर्टेंट, लियो। फाइव थ्री इज अगेन विजिबल, पांच और तीन फिर से विजिबल हो रहा है, मे बी विद इन 3 to 5 days ऐसा कुछ हो सकता है आपके जीवन में। प्राप्ति में अगर मोक्ष आता है तो उससे बड़ा बात कोई कुछ नहीं। अब मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मृत्यु के बाद होता है ये सब चीज, मृत्यु से पहले भी होता है ये सब चीज। और वो तभी होता है जब आप को ब्लेसिंग्स रिसीव होता है। आपके घर में आपके पेरेंट्स जो है ना काफ़ी आपको हमेशा प्रभावित करते हैं कि डिसिप्लिन रहो तब जाके आपको सब कुछ आप हासिल कर पाओगे, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, आपको और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, नीटली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें क्योंकि मुझे यहाँ पे चोरी होते हुए दिखाई दे रहा है, संभाल के रखें। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अवेयरनेस। कोई डॉक्यूमेंटेशन के साथ फिजिटिंग कर सकता है, फिजिटिंग मतलब जानते ही हो, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स यूज करके गलत जगह पे यूज कर सकते हैं, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर गिविंग योर डॉक्यूमेंट्स टू अदर्स। सपोज किसी ने आपको बताया कि आपका थोड़ा आधार कार्ड या कोई भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दे दो, जस्ट मैं 2 मिनट के लिए सही है आपके लॉगिन आईडी से। मे बी ऑफिस में भी ऐसा होता है, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर्स और कॉलिंग सेंटर्स कंपनी, उसमें होता है लॉगिन आईडी यूज़ करके वो आपके अकाउंट से कुछ और कर रहा है और पकड़े तो आप जा सकते हो। सो यू शुड नॉट गिव एनी ऑफ योर पासवर्ड्स और एनीथिंग, ठीक है, वरना आपको क्या रिसीव होगा? ब्लेम, एक्यूजेशन, ठीक है, लोग आपको ब्लेम देंगे कि आप ही जिम्मेदार हो, मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। सो बेटर बी वेरी केयरफुल। उसको आप प्यार करते हो बहुत अच्छा बात है, मे बी आपके ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप, मतलब हो सकता है एज ए फ्रेंड आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उसको दे सकते हो, योर कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। किसी किसी का अकाउंट हैक होने का पॉसिबिलिटीज है, सो प्लीज़ बी केयरफुल।
कोई ऐसी जगह पे आप विजिट करोगे जहां पे खंबा बहुत ज्यादा है, पिलर्स, मे बी कैसल्स, कोई भी जिस तरह से जोधपुर, जयपुर, उदयपुर में है, या कोई भी स्टेट में जहां पे भी फोर्ट्स है, दिल्ली भी है, राइट? हिस्टोरिकल जगह पे आप विजिट करोगे, दिख रहा है मुझे, जो जगह हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, काफी अच्छा लगेगा आपको, फन टू स्पेंड टाइम विद। ओके, अभी हम बताते हैं जो मेन आज का था थीम, वो है कि जो मेल एनर्जी है वो क्रिएटिव है या जो फीमेल एनर्जी है वो क्रिएटिव है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें आपको ये बताना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग को देखें, ठीक है, साइंस को देखें, तो हमें स्पर्म और एग दोनों मिला के, स्पर्म क्या है, फ्रॉम मेल, मतलब पुरुष से, ठीक है, उसके बाद महिला से एग, इन दोनों को मिला के बच्चा होता है। सो इट्स ऑल अबाउट अ क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ अ बेबी, एंड दैट हैपेंस आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अभी पौधों के मामले में क्या होता है एज पर द साइंस, पॉलिनेशन होते हैं। पॉलिनेशन क्या है कि सपोज फूल आया, फूल के ऊपर मधुमक्खी या कोई भी कीड़ा बैठा और फिर वो दूसरे फूल के पेड़ पे गए, फिर उस तरह से एसेक्सुअल प्रोसेस में, आप लोग जानते ही होंगे कुछ लोग अगर साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो मेल और फीमेल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ऐसा भी होता है कि मैमल्स या एनिमल्स जो है उसके साथ ऐसा ही होगा, ऑफ कोर्स मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे एज पर लॉजिकल कंसेप्ट या यूनिवर्सल कंसेप्ट अनुसार मदर अर्थ जो है, पृथ्वी माँ जो है, वो हमारी धरती माँ जो है वो हमारे माँ की जैसी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फसल है और फसल जो है उगते हैं, राइट, मिट्टी पे, तो ऑफ कोर्स मिट्टी के बिना तो कुछ काम नहीं होगा। सो उनको माना जाता है मदर इज वेरी केयरिंग, नर्चरिंग, दैट्स वाई द मदर अर्थ, राइट? तो कहीं ना कहीं पे बोला जाता है हमेशा कि फेमिनिन एनर्जी इज ऑलवेज क्रिएटिव, बट एक्चुअली अगर हम देखें क्रिएशन को देखें, तो ब्रह्मा जी माना जाता है कि ही इज द क्रिएटर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी इज द ऑपरेटर, मतलब वो चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और डिस्ट्रॉयर, मतलब जब चीज अधिक से अधिक लिमिट में चला जाता है तो शिव जी उनको खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहिए, प्रलय आता है तब, ठीक है। अभी बात ऐसा है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द फीमेल एनर्जी दैट इज क्रिएटिव, बट मेल इज ऑल्सो नेसेसरी, पुरुष भी चाहिए और महिला भी चाहिए, तब जाके ये वर्ल्ड में सर्वाइवल हो पाता है, तब जाके क्रिएशन हो पाता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे ऑफिस में आप देखोगे पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ होता था, कि भेदभाव होते थे कि कहीं ना कहीं पे महिला को फैसिलिटीज ना मिलना या पुरुष को मिलना उस तरह से, या पुरुष को नहीं मिलना महिला को मिलना, कुछ फेवर हो जाना। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट इन अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वे, बट कहीं ना कहीं पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नॉट ओनली द फीमेल ओके इज क्रिएटिव, बट एट द एंड ऑफ द डे मेल इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अभी मेल लोग बहुत खुश होते होंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। एनर्जी को आप समझ लो, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, जब यूनियन होगा तभी वो गोल चीजें जो है, द राउंड, द सर्कुलर थिंग विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, तभी ट्विन फ्लेम का आकार अच्छा से आएगा, दैट विल बिकम सर्कुलर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे फेमिनिन है और मेल नहीं है, तो पृथ्वी में ऐसा माना जाता है कि सब कुछ कंप्लीट होता है, तो कंप्लीशन कैसे होगा अगर मेल नहीं है, तो फीमेल और मेल बोथ आर एसेंशियल, ठीक है। जिस तरह से अगर ब्लैक दुनिया है तो वाइट भी तो दुनिया है, अगर गलत लोग है इस पृथ्वी में तो सही लोग भी है इस पृथ्वी में, कुछ लोग अगर ईमानदारी से काम कर रहे तो कुछ लोग धोखाधड़ी से काम कर रहे हैं, बैलेंस तो होना ही है, राइट? तो कहीं ना कहीं पे मुझे यही मानना है और आपको यही बोलना है, एंड दैट इज ऑलरेडी प्रूव्ड स्पिरिचुअली अगर आप देखो, सो मदर यूनिवर्स इज ओनली क्रिएटिव एंड फेमिनिन, या वुमेन के अंदर ही वो सारे नेचुरिंग क्वालिटीज है, शक्ति है, और मेल जनरली स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, और मेल जनरली डोमिनेंट ऐसे दिखाया जाता है, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन को दिखाया जाता है।
बट डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन आपके अंदर भी तो है, ये भी तो आप समझो, राइट? सो देयर इज नथिंग कॉल्ड डिवाइन, देयर इज नथिंग कॉल्ड मेल फीमेल की क्रिएशन, ये ठीक है. इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, डोमिनेंट एनर्जीज, सटल एनर्जीज मेक्स इट अ होल फॉर्म. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे दोनों नेसेसरी है. एवरी वन इज बीइंग इन्वॉल्व ओवर हियर, सब लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होने ही चाहिए, तब जाके क्रिएशन होगा, तब जाके परंपरा आगे बढ़ेगी, बच्चे होंगे और वो भी फैमिली के वैल्यूज ट्रेडिशन ये सबको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट. और आप लोग ऐसा मत समझना कि पुरुष को, मतलब मैं पुरुष बोल रही हूँ, मैं एनर्जी को बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन. सो मेन वुमेन डीएम एंड डीएफ आर बोथ नेसेसरी इन फॉर्मिंग द क्रिएशन. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई चैनल. थैंक यू. एंड इस तरह के वीडियोज को देखने के लिए जरूर देखें डिविनिटी डायग्नोस्टिक्स फॉर ट्रूथ. Always expose as darkness and believe expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you so much and comment in the comment section. Bye.